हाय गाइस, मैं श्वान, तो आप देख रहे टैक्टिकल श्वान। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप MLB 13 का गेम टर्बो 4.2 को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Xiaomi डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12.5 का क्लोज बीटा रॉम में अपडेट आया। अपडेट के साथ आपको नया गेम टर्बो का UI में चेंजेस भी देखने मिला है, जो कि आप अभी इंस्टॉल कर सकते हैं MIUI 12.5 में। चाहे आपका एंड्रॉइड 10 हो या एंड्रॉइड 11 हो, दोनों में आपका ये काम करने वाला है। तो आप इसको इंस्टॉल करना है तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कीजिए गेम टर्बो को, तो आपको जो कुछ ऐसा UI देखने को मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको साइड में ऐप्स देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको टाइमर देखने को मिल जाएगा, कुछ सपोर्टेड डिवाइस में वॉइस चेंजर और कॉम्बो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आई गेस 800 सीरीज का डिवाइस में आपको कॉम्बो का ऑप्शन दिखेगा। और आपका जो है नया जो कि इस साल लॉन्च है, उसमें आपको जो है वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ कुछ डिवाइस में देखने को और मिलने वाला है। तो अगर आप बाकी कुछ देखिए, जैसे कि इसमें आपको जो है ऐप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, ये आपका जो है तुरंत हट नहीं जाता, जो कि इसके पहले गेम टर्बो जो था वो आपका स्वाइप आपको करना पड़ता था बार बार, वो फिर हट जाता था। उसके बाद आपको जो है कूलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि चाइना में लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ एक्चुअली ये मुझे नहीं पता, और मैं ट्रांसलेटर नहीं चिपकाया अभी तक। आप चिपका सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो देख सकते हैं कि आपको दो, एक परफॉर्मेंस मोड आई गेस देखने को मिलता है, प्रो या जो भी है एक्सट्रीम मोड, और एक आपका नॉर्मल मीडियम मोड देखने को मिल रहा है, जो कि आपका शायद कूलर जिस डिवाइस में होगा, या शायद आप एक्सटर्नली लगा भी सकते, कोई एसेसरी निकालने वाला है Xiaomi होगा भी शायद, यहाँ पे नहीं आया होगा, जो कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता। और ये आपका जो है पोर्ट्रेट मोड है, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड में। टाइमर एक्टिवेट कर सकते हैं, सभी कुछ जो भी आपका फीचर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, सब आप एक्टिवेट इसको कर सकते हैं। और मेरे को अच्छा लगा ये गेम टर्बो जो नया अपडेट आया लुक के साथ। और ये अगर कूलर का सपोर्ट एक्सटर्नली अनेबल कर रहा है, और आपको कूलर मिल भी जाए अलग से परचेज करने के लिए एसेसरीज के हिसाब से, तो अच्छा बात है। अब देखिए कैसा चेंजेस और भी हो सकता है, क्योंकि जो है फीडबैक लेने के बाद बहुत जल्दी चेंज हो गया है। काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा लगे, इतना अच्छा फीडबैक ले रहा है कि मतलब एक दो सप्ताह में ही चेंज कर दिया गया, एक सप्ताह के अंदर चेंज कर दिया गया। तो देख लीजिए, जैसे कि मैं आपका ये MIUI 12 में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा पोको M2 Pro है, ये आपका MIUI 12.4.0 पोको M2 Pro। और आप कोई भी ज़्यादातर Redmi, Xiaomi, पोको डिवाइस में यूज़ कर सकते, जिसमें कि आपका Android 10 के अबव है। Android 9 में शायद इंस्टॉल नहीं होगा, पक्का नहीं इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए बस आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद बस आपको पता ही क्या करना है, डाउनलोड आपको, अब सर डाउनलोड कर भी लिए होंगे आप लोग, सब बहुत स्मार्ट है, चाहिए डाउनलोड आप कर लिए होंगे, लिंक आपको मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है, आपको APK सेक्शन में देखने को मिल जाएगा या रिसेंट में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी ऐप देखने को मिले, सिंपली एज अ APK नॉर्मल ऐप की तरह इंस्टॉल कीजिए, टैप कीजिए, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको जो है गेम टर्बो में जाना है नीचे स्क्रॉल करके, और गेम टर्बो में जाने के बाद आप जैसे लॉन्च कीजिएगा कोई भी गेम को या कोई भी ऐप को इसके थ्रू, तो आपको जो है वो सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसको जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यही था कि कैसे आप MIUI 12.5 का लेटेस्ट क्लोज बीटा रॉम का गेम टर्बो को अनेबल कर सकते हैं बिना कोई रूट और बिना कोई प्रॉब्लम का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि शायद आपको पसंद आया होगा, तो यही वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यही चैनल को सब्सक्राइब मार के आप बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑल में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन है तो उनसे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं तो कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, और मिलता हूँ कल। तब तक चाहिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अनेबल कर लीजिए, ताकि आपको कल भी मेरा वीडियोज़ दिख जाए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।